टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा आयोजन बायो बबल के अंदर हो रहा है, लेकिन बुधवार को एक फैन की गलती की वजह से कप्तान विराट कोहली मुश्किल में लगने लगे थे। बता दें कि विराट कोहली से मिलने के लिए एक फैन सिक्योरिटी को तोड़कर मैदान पर पहुंच गया था। बता दें कि विराट कोहली जिस वक्त बल्लेबाजी कर रहे थे तब इस फैन ने बायो बबल को तोड़ा और विराट कोहली से मिलने मैदान पर पहुंच गया था। विराट कोहली ने भी फैन का इरादा दूर से ही भांप लिया था और इस वजह से वो पीछे हट गए थे। हालांकि आपको बता दें कि मैदान पर पहुंचने के बाद इस फैन किसी भी खिलाड़ी के टच में नहीं आया। जल्द ही इस फैन ने विराट कोहली का रिएक्शन देखकर स्टैंड में वापस पहुंच गया था। बता दें कि इस फैन पर सिक्योरिटी तोड़ने के किसी भी तरह की कार्रवाई हुई है या नहीं, इसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में आपको बता दें कि टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच डे नाइट मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस स्टेडियम को 5 साल में करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम का उद्घाटन करा था। बता दें कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इस मैदान पर 1,10,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। बता दें कि कोविड-19 की वजह से डे नाइट मुकाबले में 55,000 दर्शकों को ही मैच देखने की अनुमति मिली थी। ऐसे में आपको बता दें कि टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा मुकाबला इस समय जारी है। बता दें कि पहले दिन का खेल समाप्त हो चुका है और दूसरे दिन का खेल अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। बता दें कि इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 112 रन ही बनाए थे। वहीं 112 रनों का पीछे करने उतरी टीम इंडिया 99 पर 3 विकेट के नुकसान पर है। इस समय मैदान पर मौजूद हैं रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे। रोहित शर्मा ने अपनी पारी में 57 रन बनाए हैं। इन्होंने अपनी पारी में 9 चौके भी लगाए हैं। वहीं अजिंक्य रहाणे अभी 1 रन पर नाबाद है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला दूसरे दिन का खेल कैसा रहता है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।